मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के नेक्स्ट लेक्चर के संबंध में। सबसे पहले हम लोग आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरुआत में की थी इंट्रोडक्शन के रूप में। इसके अंतर्गत कुल 6 वर्ग आते हैं, जो वर्ग 13 से वर्ग 18 तक, यानी ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। हम यहाँ ध्यान देंगे वर्ग 13 अर्थात ग्रुप 13 में जो तत्व आते हैं वो है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये जो तत्व होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड अर्थात इलेक्ट्रॉन विपन्न यौगिक बनाते हैं। और लुईस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि वे यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वे अम्ल अर्थात एसिड की तरह कार्य करते हैं, और ऐसे पदार्थों को लुईस एसिड के नाम से जाना जाता है उन्हीं के नाम पर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, BCl3 लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है क्यों? Why BCl3 acts as Lewis acid? न केवल BCl3 बल्कि ध्यान देंगे ये क्वेश्चन AlCl3 के लिए भी पूछ सकता है, BH3, BF3, AlF3, GaCl3, माने बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सबके जितने भी हेलाइड्स हैं और हाइड्राइड्स हैं ये सबके सब लुईस एसिड की तरह कार्य करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? यही क्वेश्चन कर रहा है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर इनमें से BCl3 की बात कर रहा है कि वो लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है क्यों। लुईस ने कहा कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो एसिड होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वे बेस होंगे। इसी के आधार पर इसकी व्याख्या होती है। BCl3 जो है वह इलेक्ट्रॉन विपन्न यौगिक है, इलेक्ट्रॉन से गरीब है, एक इलेक्ट्रॉन विपन्न यौगिक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है, यही कारण है कि यह अम्ल की तरह कार्य करता है। इसे नोट कर सकते हैं, L3 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड, अकॉर्डिंग टू लुईस द कंपाउंड्स व्हिच हैज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एक्स एच एसिड्स, हेंस BCl3 एक्स एच लुईस एसिड। तो BCl3 जो है वह लुईस एसिड की तरह इसलिए कार्य करता है क्योंकि लुईस ने कहा कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो एसिड होते हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे कमी है तो ध्यान देंगे, बोरन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की संयोजकता 1, तो 3 क्लोरीन के और 3 बोरन के तो मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल के अनुसार अर्थात अष्टक के नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हेतु बंधन बनते हैं, तो यहाँ 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लैक हो गई, डिफिशियंसी हो गई, इसलिए ये एसिड की तरह कार्य करते हैं। BH3 डाइमर बनाता है क्यों? Why BH3 forms डाइमर? तो BH3 डाइमर बनाता है क्यों, इसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि डाइमर होता क्या है। डाई माने दो, मर यानी जुड़ना, डाइमर के रूप में जुड़ जाना यानी दो के रूप में जुड़ना, अर्थात ये जो BH3 है
इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और B2S6 का निर्माण करते हैं। यही डाइमर है, दो से गुना हो गया B2 और S6। तीन किस प्रकार के अणु जो है वो डाइमर बनाते हैं, प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। डाइमर बनाने के लिए दो कंडीशन है, एक इलेक्ट्रॉन विपन्न यौगिक अर्थात इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होना चाहिए, या फिर दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑड इलेक्ट्रॉन अर्थात किसी यौगिक में दोनों परमाणुओं के बाहरी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें या कुल इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, यदि विषम संख्या प्राप्त हो तो उसको कहते हैं ऑड। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग बात करते हैं एनओ की, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे 15, जो एक विषम संख्या है, तो एनओ भी प्रकृति में एनओ के रूप में नहीं मिलेगा, यह डाइमर यानी N2O2 के रूप में मिलेगा। तो वे यौगिक जिनके इलेक्ट्रॉन विषम की संख्या में होते हैं, अवयवों के इलेक्ट्रॉन जो है विषम की संख्या में होते हैं, एक तो डाइमर वो बनाते हैं, और दूसरा वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी में उन्होंने चर्चा की, वर्ग 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो डाइमर बनाएंगे, इसलिए क्योंकि सामान्यतः जो उनके कंपाउंड्स होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो BH3 डाइमर के रूप में बनाता है। कुछ ऐसा टाउ बंधन बनता है, BH3A और BH3A दो दो जुड़ गया, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं टाउ बॉन्ड, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं इसको। तो ये तभी बनता है, दोनों तभी यहां जुड़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हो या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ऑड इलेक्ट्रॉन धारण करने वाला कंपाउंड हो। तो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे है, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन का 3, और एक बोरन के बाहरी कक्षा में 3, तो 3 और 3 6, जबकि होने चाहिए थे अष्टक रूल के अनुसार 8, 8 से कम है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है डाइमर का निर्माण करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। और डाइमर बनाने के दौरान जो विशेष बंधन बनता है इसको टाउ बॉन्ड या फिर हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। उत्तर होगा BH3 एक इलेक्ट्रॉन विपन्न यौगिक है, अतः यह अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए टाउ बॉन्ड तथा डाइमर का निर्माण करता है। BH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, हेंस फॉर स्टेबिलिटी इट फॉर्म्स टाउ बॉन्ड एंड डाइमर। तो BH3 किस रूप में रहेगा, B2S6 के रूप में, जैसे वो नेचर में आएगा। ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।